सार्थक क्या है बच्चों? एग्जामिनेशन। तुम लोगों को कितना वेट रहता है इसका? बहुत ज्यादा। क्या करते हो तुम लोग इसमें? मैम इसमें हम चार्ट्स वार्ट्स बनाते हैं। सिर्फ चार्ट्स वार्ट्स बनाते हैं? मैम एक्सप्लेन करते हो गेम्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं वो तुम्हारे पढ़ाई वाले होते हैं? यस मैम। तो क्लास में मैम से पढ़ना अच्छा लगता है कि इसमें? यस मैम। इसमें दोनों में यस। ज्यादा मैम घड़ी है इसलिए ज्यादा अच्छा किसमें लगता? साइंस चार्ट में। यस मैम। तो तुम लोग कितने लोग साथ में काम करते हो? हम बहुत सारे। तो झगड़ा होता? नो मैम। तो क्या सीखते हो तुम लोग इससे? मैम इससे हम सीखते हैं एक साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क। तो अब जब मान लो कि तुम लोग टीम में 10 लोगों की काम कर रहे हो, किसी टॉपिक पे तुम लोग काम कर रहे हो, दूसरा कोई अगर कोई आइडिया देता है, कोई ओपिनियन देता है, तो क्या करते हो तुम लोग? मैम उसकी बात मानते हैं। मैम उसकी मैम जो मैम सही होगा तो हम करेंगे वो काम। सही होगा तो करोगे? यस मैम। तो उसके ऊपर तुम लोग डिस्कशन करते हो? यस मैम। तो साथ में काम करना ज्यादा आसान है या अकेले प्रोजेक्ट बनाना? अगर तुम्हारे पेरेंट्स और दूसरे के पेरेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, बाकी विजिटर्स आ रहे हैं, तो तुम लोग एक्सप्लेन कर पाते हो क्या? अच्छा मैम, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है, तो आप लोगों को ये एग्जीबिशन के लिए तैयारी कराना, आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस हैं? हमारे लिए सबसे पहले तो हमें यही सर्च करना होता है कि किस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है, क्योंकि 6th क्लास में आते हैं, 5 तक इनका, 5th तक इनका बेस इतना मजबूत नहीं होता है। संस्कृत इनके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश में भी ये वीक होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही सर्च करते हैं कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, उसके बाद सब टीचर्स मिलके प्रिपेयर। टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग, वो कैसे करते हैं? मैम जो बच्चे टॉपिक नहीं अच्छे से कर पाते हैं उन्हें हम सार्थक में टॉपिक लेते हैं, जिससे बच्चा अच्छे से उन्हें कर सके, एक्सप्लेन कर सके, उनके ऊपर मॉडल बना सके, जिससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, वही टॉपिक हम लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बच्चे यहाँ पे, तो आप उन लोगों को कितना रूम, कितना स्पेस देते हैं ये बनाने के लिए? उनको हम पूरा एक रूम देते हैं और टीचर्स, मतलब आप कितना फ्रीडम देते हैं आप इनको वो उसमें काम करने के लिए, अपना माइंड अप्लाई करने के लिए, अपना तैयारी करने के लिए? नहीं, पहले जो भी टॉपिक होता है हम डिस्कस क्लास में करते हैं, फिर बच्चों से भी आइडियाज लेते हैं, टीचर्स भी देती हैं कि इसमें हम कितना वर्क कर सकते हैं, मॉडल में क्या क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। पूरी फ्रीडम होती है बच्चों के लिए भी कि अपने आइडियाज सब दे सकते हैं। तो ये जो स्टॉल है इसके माध्यम से आप लोग क्या बताना चाहते हैं? इसमें बस बच्चों की इमेजिनेशन सामने आई है कि जितने भी उनके टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने खुद करके, जैसे ये 7 वंडर्स हैं ये नहीं लर्न कर पाते बच्चे, तो खुद बनाया है उन्होंने, पढ़ा है तो उनको लर्न हो गए हैं। पार्लियामेंट है, वोल्केनो है, पोल्यूशन है, ये चीज़ें बच्चे वो हैं जो नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, अब खुद से उन्होंने बनाई हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो मैम जैसे टीचर्स को भी हर साल बहुत ज़रूरत रहता है कि वो स्टूडेंट्स के बारे में भी जाने और उनकी कमज़ोरियों को जाने, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जाने, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाई को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और एक्साइटिंग बनाया जाए, तो आपको सार्थक से क्या लगता है कि इज़ इट अ प्लेटफॉर्म जो आपको ये करने में हेल्प करता है? तो सार्थक में काफ़ी, जैसे जो बच्चे वीक होते हैं लिखने में प्रॉब्लम करते हैं तो वो ड्राइंग के थ्रू जैसे उनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी सामने आ जाती है, तो वहाँ पर समझ में आ जाता है कि बच्चा किस वे में पढ़ेगा, ड्राइंग से समझेगा, मॉडल से समझेगा या फिर बुकिश लैंग्वेज में समझेगा, तो वो इसके थ्रू समझ में आ जाता है बच्चों को।